हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सीजन 2022-23 का है। ये नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई हुई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है नोटिफिकेशन, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका 22 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप के पास नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे नेट सेट स्लेट ये सब चीज़ों को मैंडेटरी नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ आपके पास पीजी है आपके सब्जेक्ट में, यहाँ पे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ 500 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है और सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं और सारी डिटेल्स क्या क्या इसमें दी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी कवर की जाती है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को मैंने कवर किया है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसकी भी जो डिटेल्स वीडियो होती है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट ए जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा 2 से 3, आप उसे भी देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी है विद्यासागर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका मिदनापुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। एकेडमिक सीजन 2022-23 का है। जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो आपका पीएचडी प्रोग्राम में पोर्टल ओपन हुआ है एडमिशन का, वो आर्ट कॉमर्स एंड साइंस में हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट है आदिवासी स्टडीज है, बंगाली है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, साइंस है और फिजियोलॉजी है, सॉरी फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, संथाली है, एंथ्रोपोलॉजी दिया गया है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, फिशरीज साइंस दिया गया है, जियोग्राफी है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी दिया गया है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे दिया गया है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हों और इंटरेस्टेड हों, वो ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दिया गया है, इसका जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा वो आपका होगा 22/7/2022 से, ठीक है। यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा, एकेडमिक डिटेल्स होगा, अपलोड करना होगा आपको अपना फोटो और सिग्नेचर, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फी पे करके सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपया दिया गया है, प्लस आपका कन्वीनियंस फी रहेगा और जीएसटी चार्ज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लगभग वही जो भी इनका कन्वीनियंस फीस होगा और जो जीएसटी होगा उसे ऐड करके 20-25 रुपया बढ़ेगा, वो 500 में ऐड करके आपका एप्लीकेशन फी हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन और जो एप्लीकेशन फी है उसे भी आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। और इसमें दिया गया है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वो आपका 6/8/2022 दिया गया है, ठीक है। यानी कि 6 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ और कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को, ओबीसी ए ओबीसी बी कैटेगरी कैंडिडेट को, ठीक है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट को ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसे आपका मास्टर डिग्री और पीजी मिला के, यूजी और पीजी आपका मिला के 5 साल का कोर्स होना चाहिए। करेंटली आप अभी कहीं भी किसी भी कोर्स में, फुल टाइम कोर्स में रजिस्टर नहीं हो, या फिर कहीं और पीएचडी आप पीएचडी में एनरोल नहीं होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। या यहाँ पे दिया गया है कि आपका रेगुलर मोड में एमफिल हो या एमटेक हो जो कि कंप्लीट हो गया हो 17/8/2022 के पहले, तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे।
रिटेन टेस्ट से, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरव्यू में अपियर होना होगा। या फिर जिन कैंडिडेट का यूजीसी या सीएसआई या नेट गेट या सेट या यूजीसी जीआरएफ है या सीएसआईआर जीआरएफ है, तो वो यहाँ पे रिटेन टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे, लेकिन उन्हें अपियर होना होगा इंटरव्यू में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि आप रिटर्न टेस्ट में कम से कम 50% मार्क्स लेके आएंगे तो आप यहाँ पे रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए रिटर्न टेस्ट में। जो फाइनल सेमेस्टर में है पीजी स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए भी पोर्टल ओपन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे यही यहाँ पे दिया गया, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये सारी डिटेल्स थी यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं वेबसाइट से आप कहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, ये विद्यासागर यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने पे आप नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। नोटिफिकेशन में देखिए तेजी से यहाँ पे नोटिफिकेशन स्क्रॉल हो रहे हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं अपना पीएचडी प्रोग्राम में जो एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, या फिर आप क्लिक व्यू ऑल नोटिफिकेशन, आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सारी अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको पीएचडी एडमिशन के लिए जो यहाँ पे पीडीएफ ओपन है, ये यहाँ पे आप खोल लेंगे, आप सारी डिटेल्स यहाँ पे देख लेंगे। या फिर पीडीएफ आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, आपका पोर्टल ओपन होगा एडमिशन का 22/7/2022 से। ठीक, सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया, फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।